आज लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कागार पे खड़ा है। पेपर लीक हुए क्या, उसमें माफियाओं का राज रहा, और कैसे देश के युवाओं को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाए, नौकरियां नहीं दे पाए, बेरोजगारी चरम पर है। दो आईपीएल हैं सर इस देश, एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है जो है इंडियन पेपर लीग। इन 35 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। इन स्टूडेंट्स की पीड़ा इसलिए भी समझता हूं क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं। मुझे पता है कि क्या पीड़ा होती है जब सालों की आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए, दिल नहीं टूटता, विद्यार्थी एक इंसान पूरा टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया गया, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम देके जिसका गठन किया गया था कि वो एक ट्रांसपेरेंसी से एग्जामिनेशन कराएगी, उस एनटीए का फुल फॉर्म आज नो ट्रस्ट एनीमोर हो गया है। चुनावों के शोर के नतीजे नतीजों के शोर में 4 जून को नीट एग्जाम के नतीजे लाए गए, क्या मकसद था? माननीय राघव चड्ढा जी, 6 मिनट। सर, क्योंकि मैं सदन का सबसे युवा सदस्य हूं, मैं अपना दायित्व और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा अगर मैं आज इस देश के युवाओं का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है उसे ना उठाऊं। सर, इस देश में 2 शिक्षा व्यवस्थाएं हैं। एक शिक्षा व्यवस्था है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा व्यवस्था, जिसमें दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए गए, बढ़िया करिकुलम, क्वालिटी एजुकेशन दी गई, और एक शिक्षित भारत का, शिक्षित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़े। एक दूसरी शिक्षा व्यवस्था है सर, जिस शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा शिक्षा माफिया जन्म लेता है, जिसके तहत आज लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कागार पे खड़ा है। मैं बात कर रहा हूं नीट यूजी और यूजीसी नेट की, जिसमें कुल मिलाकर करीब 35 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ। हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे उस एग्जामिनेशन को पेपर लीक हुए क्या, उसमें माफियाओं का राज रहा, और कैसे इन 35 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। वो 35 लाख बच्चे आज इस संसद टीवी को देख रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद उनके अधिकारों की, उनके हकों की बात होगी। भारत देश एक बहुत युवा देश है। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया के सबसे युवा देशों में भारत आता है, जहां जापान की पॉपुलेशन की औसत उम्र 50 साल है, इटली की 48 साल है, जर्मनी की 46 साल है, यूनाइटेड किंगडम की 40 साल है, चीन की 40 साल है। जहां विकसित देश बूढ़े होते जा रहे हैं, भारत देश जवान हो रहा है। भारत की औसत उम्र आज मात्र 29 साल है। लेकिन हमने इस युवा भारत के लिए किया क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट स्टूडेंट पॉपुलेशन है। अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को जोड़ लें तो कुल मिलाकर 31 करोड़ आबादी भारत देश की स्टूडेंट्स कहलाती है, यानी कि पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। लेकिन उन युवाओं के लिए हमने किया क्या, मैं बताना चाहता हूं कि इस व्यवस्था ने, सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया। 2 आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है जो है इंडियन पेपर लीग। और आज मैं उसकी पूरी सूची लाया हूं कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़िए, उसे बर्बाद करने का काम किया गया। और उस सूची में मैं नाम पढ़ के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या क्या हमने अपने देश के युवाओं को दिया है। पहला, व्यापम स्कैम। दूसरा, यूजीसी नेट पेपर लीक। तीसरा, तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हिंदी पेपर लीक। असम HSC LC जनरल साइंस पेपर लीक। उत्तर प्रदेश लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पेपर लीक। गुजरात हेड क्लर्क एग्जाम पेपर लीक। SSC CGL एग्जाम पेपर लीक। UP TET एग्जाम पेपर लीक। राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक। UP PSC पेपर लीक। महाराष्ट्र HSC एग्जाम केमिस्ट्री पेपर लीक। UP पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाइंग एग्जाम पेपर लीक। रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स पेपर लीक। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी एग्जाम पेपर लीक। उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक। असम पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक। बिहार बोर्ड
का दसवीं का दसवीं कक्षा का भी एग्जामिनेशन पेपर लीक, तेलंगाना एसएससी एग्जाम पेपर लीक, कर्नाटक एसएससी एलसी एग्जाम पेपर लीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक, जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक, यूपी बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स और बायो का पेपर लीक, राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक और इस साल का नीट नीट का 2024 का पेपर लीक। माननीय राघव चड्ढा जी, ये ऑथेंटिकेट करके आप यहां मैं दूंगा सर, सारे रिपोर्ट दूंगा। थैंक यू सर। आज हम अपने देश के युवाओं को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाए, नौकरियां नहीं दे पाए, बेरोजगारी चरम पर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बेरोजगारी चरम पर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो आंकड़ों की क्या बात करी जाए। सर सर मैं इन स्टूडेंट्स की पीड़ा इसलिए भी समझता हूं क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं। इस देश की सबसे वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव एग्जामिनेशन चार्टेड अकाउंटेंसी का को क्लियर कर यहां पहुंचा हूं सर। मुझे पता है कि क्या पीड़ा होती है जब सालों की आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए क्योंकि एक एग्जामिनेशन एक पेपर लीक हो जाता है, तब सिर्फ दिल नहीं टूटता, विद्यार्थी एक इंसान पूरा टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। आज उस मनोबल को हमें सबको मिलकर एड्रेस करने की आवश्यकता है और आज मैं उन युवाओं की ओर से नीट से संबंधित उन 35 लाख स्टूडेंट्स की ओर से सरकार से 5 सवाल पूछना चाहूंगा और वो पूछने से पहले ये बताना चाहूंगा कि NTA जो जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम देके जिसका गठन किया गया था कि वो युवाओं के भविष्य के लिए कुछ कारगर कदम उठाएगी, एक ट्रांसपेरेंसी से एग्जामिनेशन कराएगी, उस NTA का फुल फॉर्म आज नो ट्रस्ट एनीमोर हो गया है। कोई भी विद्यार्थी आज इस NTA पे विश्वास नहीं कर रहा और मैं विद्यार्थियों की ओर से ये 5 सवाल सरकार से पूछना चाहूंगा, नीट से संबंधित सटीक सवाल। पहला सवाल, नीट का पेपर जिसमें मात्र 1-2 बहुत हुआ तो 3-4 स्टूडेंट्स की रैंक वन आती है, जैसे कि 2023 में मात्र 2 लोगों की रैंक वन आई, 22 में मात्र 4 लोगों की आई, 2021 में मात्र 3 लोगों की आई, जब इतने कम लोगों की इतने कम स्टूडेंट्स की रैंक वन आती है तो इस साल 2024 के नीट के पेपर में कैसे 67 बच्चों की रैंक वन आ गई जबकि फैकल्टी और टीचर्स ये मानते हैं कि बहुत मुश्किल पेपर था। सर मेरी 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 पार्टी का समय बचा हुआ है सर, प्लीज मेरे को 2-3 मिनट दे दीजिए। नहीं सर, 4-5 मिनट भी नहीं सर, वक्त दे दीजिए, प्लीज कंक्लूड विद इन सर 1 मिनट कंक्लूड, अदरवाइज आई विल मूव। सर वक्त ऐसे मत दीजिए कि भीख लगे, सर वक्त ऐसे मत दीजिए कि ठीक लगे बाकी जो आपको ठीक लगे। सर मेरा दूसरा सवाल कैसे मैथमेटिकली इम्पॉसिबल नंबर स्टूडेंट्स के आते हैं इस एग्जाम में, या तो 720 नंबर आएंगे जिसके सारे जवाब सही हैं और अगर एक भी गलत हो गया तो आप 715 नंबरों पे आ जाएंगे। इस 715 और 720 के बीच में किसी के नंबर नहीं आ सकते, लेकिन इस बार ग्रेस मार्क्स देकर 717, 718, 719। और आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल, मैं समाप्त कर रहा हूं सर। इस बार जो इस नीट एग्जाम के नतीजे 14 जून को आने थे उसको 10 दिन पहले कर दिया गया। हम देखते हैं कि नतीजों में देरी अक्सर होती है, लेकिन 10 दिन पहले चुनावों के शोर के नतीजों के शोर में 4 जून को नीट एग्जाम के नतीजे लाए गए, क्या मकसद था?